तो इस ठंडी के सीजन में आप अपने दोस्तों को, आप अपने मेहमान के साथ, आप अपने परिवार के साथ इस थाली को जरूर बना करके सर्व कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो आज मैं आपके साथ वहीं का एक पारंपरिक खाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें हम चावल की पूड़ियाँ और खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी बनाएंगे। दोस्तों, चावल की पूड़ियाँ जनरली इसी सीजन में बनाई जाती हैं, क्योंकि इस समय नए चावल तैयार होते हैं और जो नए चावल से हम आटा बनाते हैं उससे पूड़ियाँ काफ़ी मीठी बनती हैं। ये बहुत ही हैवी होती हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर ठंडियों में ही हम खाते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं चावल की पूड़ियाँ और साथ में उसके खट्टे मीठे कद्दू की सब्जी। और दोस्तों, चावल की पूड़ी और खट्टे मीठे कद्दू की सब्जी के साथ साथ हम इसके साथ टमाटर और आलू की ग्रेवी वाली सब्जी भी सर्व करते हैं। उसका वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने 500 ग्राम कद्दू लिया है, जिसका हम छिलका और ऊपर का बीज निकाल के और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, मैंने कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे अच्छी तरह से धुल दिया है। तड़के के लिए यहाँ मैंने आधा चम्मच सौंफ लिया, आधा चम्मच जीरा, दो लाल मिर्च और चौथाई चम्मच कनौजी, हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच चीनी और एक चम्मच अमचूर पाउडर। चलिए, सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लेंगे, उसमें करीब मैंने 3 चम्मच तेल डाला है और अब हम उसमें तड़के की सारी चीजें डाल देंगे और साथ में ही हींग। गैस का फ्लेम यहाँ मैंने लो और मीडियम के बीच में रखा है और तड़का को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए, तड़का हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम उसमें कटे हुए कद्दू डाल देंगे। कद्दू को डाल के हमें तड़के और कद्दू को अच्छी तरह से मिला देना है। हमें यहाँ पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि कद्दू अपने आप में ही पानी छोड़ेगा भी। ये देखिए, मैंने कद्दू को तड़के के साथ अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप थोड़ा सा ही डालिएगा, क्योंकि कद्दू अभी गल करके आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे नमक की मात्रा हमें कम ही रखनी है। साथ में हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी अभी हमें मैंने 2 चम्मच डाली है। कभी कभी कद्दू काफी मीठा होता है तो चीनी की मात्रा कम लगती है, कभी कभी कद्दू फीका होता है तो चीनी की मात्रा ज्यादा लगती है। इसलिए आप जब भी कद्दू बनाइए तो उसको पहले आप टेस्ट कर लीजिए कि वो मीठा है कि नहीं। ये देखिए, चीनी भी अच्छी तरह से गल गई है और कद्दू ने काफी पानी छोड़ दिया है। अब हम उसे पलटे की मदद से इस तरह से मैश करते जाएंगे, क्योंकि कद्दू की सब्जी मैश ही बनाई जाती है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको मैश करते हुए चलना है। अब हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अमचूर पाउडर। खट्टा और मीठा आप जब ये सब्जी आधी बनके तैयार हो जाए तो आप टेस्ट करके देख लीजिएगा और जिस भी चीज की कमी लगेगी आप उसको डाल दीजिएगा। ये देखिए, करीब 10 मिनट लगे हैं और कद्दू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। चलिए, अब हम चावल की पूड़ियाँ बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। चावल का आटा खौलते हुए पानी से गुथा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटे से भगोने में पानी उबलने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम चावल के आटे को छान लेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। ये देखिए, इस तरह से। ये मेरे घर का आटा है, जो कि नए चावल का है, जिससे पूड़ियाँ बहुत ही मीठी और सॉफ्ट बनती हैं। और कभी कभी बाजार में जो आटे मिलते हैं वो कभी कभी हमें पुराने चावल के हो जाते हैं, तो उसकी पूड़ियाँ उतनी सॉफ्ट नहीं बनती है। देखिए, पानी भी खौल गया है। अब हम इस आटे में करीब 2 चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच की मदद से हमें इसको मिलाते हुए पानी को डालना है। देखिए, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और अपने हाथों को बचाते हुए काम करिएगा। चावल का आटा खोलते हुए पानी से ही गूथा जाता है, जिससे कि आटा काफी सॉफ्ट हो जाता है और पूड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। पानी की मात्रा आप थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा। जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि चावल का आटा थोड़ा सूखा है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, क्योंकि तो
क्योंकि इस तरह से गूंथने में पानी का हमें अंदाज नहीं मिलता है कि पानी ज़्यादा है कि कम है। और कभी अगर आप गूंथते हैं और पानी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमें चम्मच की मदद से करना है। जब आपको लगे कि थोड़ा सा पानी ठंडा हो गया है तब आप धीरे धीरे इस तरह से हाथ से इसको आटे की तरह गूंथना शुरू कीजिए। ये काफी गर्म होता है इसलिए कभी एक बार की आप हाथ से मत मैश कीजिएगा, इसको बस हल्के हल्के हाथों से ही इस तरह से इकट्ठा करना शुरू कीजिएगा। पानी की मात्रा थोड़ी थोड़ी ही डालिएगा और हमें इसका एक रोटी की जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी की तरह सॉफ्ट आटा गूंथना है। ये काफी चिपकता है, ये कोई बात नहीं, इस तरह से आप चम्मच की मदद से आटे को निकालते हुए और एक सॉफ्ट हमें इसका आटा गूंथना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है हमें, हल्के हाथों से इस आटे को गूंथना है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मैश करने की जरूरत नहीं होती है। गर्म पानी की वजह से ये अपने आप में ही काफी सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार होता है। ये देखिए बिल्कुल ये आटे की शेप में आ गया है और ये रोटी की तरह सॉफ्ट आटा ही गूंथ के तैयार हुआ है। चलिए इसके प्लेट बदल के हम उसको अलग उसमें रख लेते हैं और पूरियां बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से आटे की इस तरह से लोई बना ली है। ये जनरल जैसे हम पूड़ियां बनाते हैं आटे की उसी तरह से बनाना होता है, बस ये आटे की पूड़ी से थोड़ी सी मोटी होती है। ये देखिए इस तरह से इसको हल्के हाथों से बेलेंगे, नहीं तो ये पूड़ियां फट जाती हैं जल्दी से। और हम सूखा आटा लगाते चलेंगे। चावल की आटे अगर की पूड़ियां अगर आप बना रहे हो कहीं से जरा सी फट जाए तो आप उसको मत तलिएगा, आप उसको दोबारा से बेल लीजिएगा। तेल हमने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया है। अब हम इसमें पूड़ियां डालेंगे और इस तरह से पलटे की मदद से उसको हल्का सा दबाते हुए फूलने देंगे। पूड़ी अच्छी तरह से फूल गई है, इसको हमें तुरंत नहीं पलटना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है क्योंकि पूड़ी की जो ऊपर की परत होती है वो बहुत ही क्रिस्पी होती है और अगर हम बहुत बार बार इसको उल्टेंगे पलटेंगे तो वो फट जाती है। चावल की पूड़ी के साथ ये कई बार होता है। इसको बहुत ही हल्के हाथों से पलटना होता है। और हमें इसको दोनों तरफ से सुनहरा होने तक करना है। ये देखिए इतने हल्के हाथों से पलटने के बावजूद भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें दो छेद हो गए हैं। इसकी वजह से काफी तेल पूरी के अंदर भर जाता है। ये आपको दिख रहा होगा कि पूड़ियों के अंदर काफी तेल भर गया है। तो एक चम्मच की मदद से इस तरह से नीचे हमें हल्का सा होल करके और इसका सारा तेल निकाल देना होता है। ये देखिए ये चावल की पूड़ी के साथ में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ऊपर की परत इसकी इतनी क्रिस्पी होती है कि जरा सा भी अगर हल्का सा प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है तो वो वहां से फट जाती है। ये काफी गर्म होती है इसलिए बहुत सावधानी से ये काम करिएगा। चलिए अब हम दूसरी पूड़ी बना के तैयार करते हैं, देखते हैं ये कैसी बनती है। फूल तो बहुत अच्छी तरह से गई है लेकिन अभी हमें इसे तुरंत नहीं पलटना है। लगभग कोशिश आप यही कीजिएगा कि जब आपको लगे कि एक तरह से लगभग वो गोल्डन ब्राउन हो गई होगी तभी हम उसको दूसरी तरफ की तरफ पलटे। कहीं से नहीं फटी और बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हुई है। अब इसको भी हम सावधानी से निकाल देंगे। बहुत ही हल्के हाथों से निकालना होता है इसको। और अब हम इसमें एक चम्मच की मदद से इस तरह से हल्का सा छेद कर देंगे कि जिससे इसके अंदर जो भी हवा भरी है वो निकल जाए और पूड़ियां हमारी सॉफ्ट ना होने पाए। अब इसी तरह से हम अपनी तीसरी पूड़ी भी बना करके निकाल लेंगे। ये पूड़ियां गरम गरम ही सर्व की जाती है। अगर आप किसी को भी खाना खिला रहे हैं या घर के लोग हों या मेहमान हैं तो आप उनको इसको गरम गरम ही सर्व कीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लेट को सजा दिया है। ये मैंने कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी रखी है, ये मैंने आलू की सब्जी रखी है
और अब हम प्लेट में चावल की पूड़ियाँ रखेंगे। चावल की पूड़ियों के साथ गुड़ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ भी रखा है। तो ये देखिए ठंडी के सीजन की खास थाली बनके तैयार हुई है। तो इस ठंडी के सीजन में आप अपने दोस्तों को, आप अपने मेहमान के साथ, आप अपने परिवार के साथ इस थाली को जरूर बना करके सर्व कीजिए। थैंक यू।